हाय जी आना, अब क्यों रेडी हो रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? कहीं जा रहे हो क्या? जा रहे हो कहीं पे? कितना क्यूट फ्रॉक पहना है आपने, आपको भी पसंद आ रही है क्या? न्यू फ्रॉक पहनी है क्या? हाय एवरीवन, सो हम ज़ियाना रेडी हो चुकी है और मैंने और ज़ियाना ने तो उन्होंने फ्रॉक पहनी है आज, मम्मा के जैसे फ्रॉक पहनी है क्या? सो हम लोग रेडी हो गए और हम जा रहे थे कॉफी शॉपी पीने के लिए। हाँ, कॉफी शॉपी पीने के लिए। जरा आप लोगों को बहुत टाइम से आप लोग ज़ियाना को फ्रॉक में देखना चाहते थे, तो इसीलिए बहुत टाइम से आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम ज़ियाना को फ्रॉक्स में देखना चाहते हैं। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए ज़ियाना को पहनाई है हमने बहुत ही क्यूट सी फ्रॉक। हेयरबैंड भी लगाया था, बट ज़ियाना को सर पे कुछ लगाते तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इसलिए हमने हेयरबैंड को निकाल दिया। चलो देखिए, डू यू वांट टू नो? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh, yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh, yeah, all day. As long as you're in my arms. I'm a big boy, सब्सक्राइबर से मिल रहे हैं हनी, बहुत टाइम से हम टच में हैं। आई हैव नो वर्ड्स फॉर हर, मतलब शी इज, मतलब ये जितना ब्लॉगिंग में सुंदर लगती है उससे मच बेटर, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। थैंक्स यू, थैंक्स यू। और ज़ियाना भी मिली है हनी दीदी से। हाँ, जरा ध्यान से देख रही है। सो हनी, क्या लगता है ज़ियाना किस पे गई है? टोटली जीजू पे गई है, टोटली सिरास को। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दीदी ने मुझे अपना प्रीसियस टाइम दिया मिलने के लिए। सीरियसली आई एम वेरी स्वीट। उनके हसन बोले रोना मत, रोना मत। रोने से आंसू की वैल्यू खत्म हो जाती है। हाँ, सही बात है। अच्छा, तो ऐसे ब्लॉगिंग का। हनी गॉट दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर ज़ियाना, सो स्वीट ऑफ हर। हाय गाइस, सो हम लोग वापस घर आ चुके हैं और आज हम लोग हनी को मिले। शी इज रियली स्वीट और आई थिंक इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, इतने प्यारे प्यारे लोग आप लोग हमें देख रहे हो, इतना प्यार देते हो, तो ये बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी कभी। और हनी थोड़ा इमोशनल हो गई थी वहाँ पर हम लोगों से मिलकर, और उसको देख के मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार देते हो तो। और ज़ियाना भी बड़ी खुश हो गई थी। बस अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ज़ियाना के साथ वॉक करें शाम को, हल्की ठंड है दिल्ली में और इतनी अच्छी खुली खुली जगह है तो ज़ियाना को बड़ा मज़ा आ रहा है वॉक करने में, तो इसीलिए हम दोनों ज़रा वॉक कर रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज शारवा सुपर सैन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप मेरे पीछे ये जो मेस देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि हम पैकिंग कर रहे हैं, हम वापस मुंबई जा रहे हैं आज शाम को, तो उसी के लिए सारी पैकिंग हो रही है। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द
क्लोथ्स जो है मेरे वो यहीं पर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि बिकॉज आफ्टर फ्यू डेज वी आर गोना कम बैक बिकॉज राजीव को कुछ काम है यहाँ पर, तो हम सब लोग साथ में आने वाले हैं और कुछ दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं, तो काफ़ी सारा सामान हम लोग यहीँ पे छोड़ के जाने वाले हैं, थोड़ा बहुत सामान लेके जाएंगे। और बोजो भी हमें बहुत मिस करता है और हम भी बोजो को बहुत मिस करते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी वापस आएंगे। और जियाना फिलहाल सो रही है, टच वुड, जब से हम दिल्ली आए हैं जियाना काफ़ी अच्छे से सो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत पीस है, तो जियाना को बहुत ज़्यादा लोग नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा जहाँ पर शोर शराबा होता है वो नहीं पसंद, जहाँ पर शांति होती है वो आराम से रहती है, तो वो आराम से सो रही है। और जब वो सो रही तो मैंने सोचा पीछे से सारी पैकिंग कर रहे थे क्योंकि उसके उठने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पैकिंग करना। बाकी अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं और कुछ लंच करके आने वाले हैं क्योंकि शाम को हम लोग निकल जाएंगे, तो लंच हम लोग सोच रहे हैं कहीं अच्छी जगह पे लंच करके आ जाए। साथ ही मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई है, तो आई थिंक मेरी वजह से जियाना को भी थोड़ी खांसी हो गई बिकॉज मैं उसको फीड करती हूँ, तो उसको भी थोड़ी खांसी हो रही, तो हम दोनों की दवाइयाँ लेनी है और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा लंच करेंगे कहीं पर और कम बैक और सारी पैकिंग करके और आज रात को हम लोग मुंबई जाने वाले हैं। घर पे मिट्टू भी वेट कर रहा है, अनिता दीदी भी वेट कर रही है क्योंकि हम कुछ दिन में वापस आने वाले, तो आप लोग सोचेंगे कि फिर हम जा ही क्यों रहे हैं। एक्चुअली हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कल गणगौर है और गणगौर की पूजा मैं वहीं पर जाके कर सकती हूँ, मेरी दोनों गणगौर और ईसर जी वहीं पर हैं, तो हम निकालेंगे उन्हें और फिर पूजा करेंगे कल की, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद वी आर गोना कम बैक। हम लोग ट्रेन में पाई शेरगो में एक हां शेरगो ओके हां जी, तो हम ट्रेन में पाई राइट मेबी ट्रेन में ना ऐसे देते हैं तीन जने दो का ट्रेन है। ये सेम रेसिपी क्यों है ना? सेम है ना जी, कफ सिरप ही है ना ये? यस मैम। तो हम लोग लंच करके घर आ चुके हैं और बहुत ही कमाल का हमने बंगाली खाना खाया आज। हाँ बीबी, या यू लाइक्ड इट ना? आई लव्ड इट। जियाना को हम लोग मन नहीं किया, बंद हो गया दो दो मिनट तक रिपोर्ट। सो लंच करके हम लोग घर पे आ चुके हैं और अब हमें पैकिंग करनी क्योंकि शाम की हमारी फ्लाइट है। और जियाना को हम लोग घर पे ही छोड़ के गए थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और
सियाना के लिए गर्मी अच्छी नहीं है, है ना, है ना बेटे? ये देखो बेटू, आपके लिए गिफ्ट चाहिए, ये देखो पूजा। सो देयर इज दिस वेरी क्यूट सब्सक्राइबर जो जियाना के लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई है, और आज इतनी तेज धूप के अंदर वो मिलने आई थी जियाना से, बट जियाना उस टाइम सो रही थी तो वो मिल नहीं पाई जियाना से, बट सो स्वीट ऑफ हर, वो कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आई है, इतनी तेज धूप में आई थी और बड़े प्यार से हम लोगों से आके मिली, एंड जियाना से भी इतना प्यार करती है, वो इतना कुछ लेकर आई है उसके लिए। थैंक यू पूजा, गॉड ब्लेस यू। जियाना को बहुत पसंद आ रहा है गिफ्ट्स, अभी तो खोल के दिखाएंगे। हाँ, शी नोज, बट सो सो स्वीट ऑफ यू पूजा। मैं अभी खोलने वाली हूँ आपके गिफ्ट्स। ये जो गिफ्ट है ये है, दिस इज फ्रॉम करिश्मा, ये करिश्मा की तरफ से है। ओह सो स्वीट, ये वो है टॉम कैट। ओह दिस इज फ्रॉम पूजा। ओह दिस इज बाथिंग टब, वाओ स्वीट। तो जियाना को अब इसमें नहलाएंगे हम। एंड दिस इज फ्रॉम पूनम एंड शालू। जियाना बहुत ही ध्यान से देख रही है, ओह कितने सारे बॉल्स हैं ये, खूब सारे बॉल्स हैं, सी। जियाना की तरफ से थैंक यू, स्माइल कर दो ये। क्या मम्मा के जिगर का टुकड़ा। सो हम बहुत ही, आई डोंट नो व्हाट टू से, कितनी परफेक्ट फैमिली लग रही है हमारी। सो गाइज, नवरात्रा स्टार्ट हो चुकी है और हम हमारी देवी के साथ आपको हैप्पी नवरात्रा बोलने आए हैं जी। पर हमारी देवी थोड़े से अच्छे मूड में लग नहीं रही अभी। जियाना हाय, स्माइल तो दे दो, से हाय गाइस, हाय। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वही चला हाय रे। सो ये गाना सुन के मुझे भी नहीं आया। जियाना को ये गाना बहुत पसंद है पर डैडी को थोड़ा कम पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वही चला हाय रे, उम्र का ये ताना बाना जुबां पे ये मोह माया, नमक लगाए रे अरे देखी न जानी न भाली न दायरे, दिशा हारा के मन भूखा मोंटा रे। सी मतलब इसको पता है कि ये बंगाली है जियाना को, तभी उसको बंगाली गाना पसंद आया है, है ना जियाना, है ना? यस, बंगाली बच्चों, हाँ बंगाली हो आप, हाँ। अच्छा, लोरी 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 लोरी।